गुलामी और लौटिन। इज़राइल के राज और यहूदा के राज दोनों हर परमेश्वर के विरोध में पाप करिन, ओ मन हर उ प्रतिज्ञा ला तोड़ दिन जोन परमेश्वर हर ओ मन के संग सिनै पर्वत में बांधे रहिस। परमेश्वर हर ओ मन ला पश्चाताप करे बर और फेन ले ओकर आराधना करे बर और चेतावनी दे बर अपन भविष्यवक्ता मन ला भेजिस, लेकिन ओ मन हर ओकर गोइठ मन ला माने ले इनकार कर दिन। इकर बर परमेश्वर हर ओकर बैरी मल्ला ओ मल्ला नाश करे बर सक्षम करे के द्वारा दोनों राज ला दंड दिस। असुर एक ठन आने देश रहिस जोन बनेच बलवान हो गए रहिस। ओ मन दूसर देश मन के प्रति बनेच निर्दयी घोले रहिन। ओ मन हर आके इज़राइल के राज ला नाश कर दिन। असुरी मन हर आके इज़राइल के राज मा बनेच मल्ला मार डारिन, जोन चाहिन ओला लुटिन और देश के बनेच हिस्सा मल्ला जला दिन। असुरी मन हर सब अगुआ मन धनवान मन से मन और ऐसने मन से मल्ला जोन कीमती चीज मल्ला बना सकत रहिन एक संग जमा करिन और ओमन ओमल्ला असुर देश ले गिन। इज़राइल मा मात्र कुछ गरीब इज़राइली मन बाचिन। फेन असुरी मन से उ देश मा रहे बर विदेशी मन ला लेके आइन। उ विदेशी मन उ नगर मन ला फेन ले बनाइन। ओ मन हर जोन इज़राइली ओकरा बाँचे रहिन ओ मन के संग आने जाति बिहा कर लिन। ई मन से मन के कुल सामरी कहलाइन। यहूदा के राज के मन से मन देखिन कि कैसने परमेश्वर हर ओकर ऊपर विश्वास नी करे और ओकर गोइठ मल्ला नी माने के खातिर इज़राइल के राज के मनसे मल्ला दंड दे रही। लेकिन तब ले घोले ओ मन हर कनानी मन के देवता मन के मूर्ति मन के आराधना करिन। परमेश्वर हर ओ मल्ला चेतावनी दे बर भविष्यवक्ता मल्ला भेजिस, लेकिन ओ मन हर सुने ले इनकार कर दिन। असुरी मन के द्वारा इज़राइल राज के नाश करे जाए के लगभग 100 बछर मन के बाद परमेश्वर हर बेबीलोन के राजा नबुकदनेस्सर ला यहूदा के राज मा हमला करे बर भेजिस। बेबीलोन एक ठन बलवान देश रहिस। यहूदा के राजा नबुकदनेस्सर के सेवक बने और सबेज बछर ओला बनेच धन के भुगतान करे बर सहमत होगिस। लेकिन कुछ बछर मन के बाद यहूदा के राजा हर बेबीलोन के विरोध मा लड़ाई करिस। इकर बर बेबीलोनी मन वापस आके यहूदा के राज मा हमला कर दी। ओ मन हर यरूशलेम नगर के ऊपर कब्जा कर लीन, मंदिर ला नष्ट कर दीन, नगर और मंदिर के खजाना ला लूट के ले गिन। लड़ाई करे के खातिर यहूदा के राजा ला दंड देवर नबुकदनेस्सर के सैनिक मन हर राजा के बेटा ला ओकर आघू मा मार डारिन और फेन ओला अंधरा कर दिन। इकर बाद ओमन राजा ला ले गिन ताकि उ बेबीलोन के जेल खाना मा मर जाए। नबुकदनेस्सर और ओकर सेना यहूदा के राज के लगभग सबेच मनसे मल्ला बेबीलोन ले गिन, केवल सबले गरीब मनसे मल्ला पाछू छोड़ दिन ताकि ओ मन खेत मन मा फसल उगाए। समय के ई काल ला बंधुवाई कहे जाते जोन मा परमेश्वर के प्रजा ला प्रतिज्ञा के देश ले निकर जाए बर मजबूर करे गे रहिस। भलेच परमेश्वर हर अपन मनसे मल्ला ओ मन के पाप के खातिर बंधुवाई मा ले जाए के द्वारा दंड दिस, त घोले ओहर ओ मल्ला या अपन प्रतिज्ञा मल्ला नी भुलाए रहिस। परमेश्वर हर अपन मन से मन के निगरानी करे बर जारी राखिस और अपन भविष्यवक्ता मन के द्वारा ओहर गोइठ मन करतेच रहिस। ओहर प्रतिज्ञा करिस कि 70 बछर मन के बाद ओ मन फेन प्रतिज्ञा के देश ला वापस लौटी ही। लगभग 70 बछर मन के बाद फारस के राजा कुसरू हर बेबीलोन ला पराजित करिस। इकर बर अब बेबीलोन के साम्राज्य के जगह फारस के साम्राज्य के बनेच देश मन मा शासन करत रहिस। इज़राइली मन से अब यहूदी कहलात रहिन। ओ मल्ले बनेच मन हर आपन पूरा जीवन बेबीलोन मा काट दे रहिन। केवल बनेच थोड़कुन बूढ़ा यहूदी मल्ला
यहूदा के देश सुरता रहिस। फारसी मन से बनेच शक्तिशाली रहिन, लेकिन ओ मन हर अपन जीते मन से मन के ऊपर दया करी। फारसी मन से मन के राजा बने के थोड़कुन बेरा के बाद कुसरू हर एक ठन आदेश दिस कि कोनो घोले यहूदी जोन यहूदा ला लौटे बर चाहत रहिस ओहर फारस ले निकर के वापस यहूदा ला जा सकत हे। इकरा तकले कि ओहर ओमल्ला मंदिर ला फेन बनाए बर धन घोले दिस। इकर बर बंधुआई के 70 बछर मन के बाद यहूदी मन के एक ठन छोटे झुंड यहूदा मा यरूशलेम नगर ला लौट आई। जब ओ मन से यरूशलेम पहुंचीन तो ओ मन हर मंदिर ला और नगर के चारों अंग के दीवार ला फेन ले बनाइन। फारसी मन से अब घोले ओ मन के ऊपर शासन करत रहिन, लेकिन एक घां फेन ले ओ मन प्रतिज्ञा के देश मा रहत रहिन और मंदिर मा आराधना करत रहिन। दूसरा राजा अध्याय 17:24-25, दूसरा इतिहास 36, एजरा 1:10, नहेम्या 1:13 ले बाइबिल के एक ठन कथा।